Hello students, today we are starting our new chapter, lesson number 5, Profit and Loss. Okay, before starting exercise, we have to know what is cost price, selling price, profit and loss. Okay, abhi cost price ko hum CP bolte hain, selling price SP, profit or loss. Okay, okay. Ab example dete hain, usse hum ek pura dekhenge. Okay, dekho main fruit seller. मैं फ्रूट लेती हूँ एक होलसेलर से, है ना, होलसेल मार्केट में बल्क में खरीदती हूँ, बहुत ज्यादा खरीदती हूँ एक होलसेलर से. ओके, और मैं कस्टमर को बेचती हूँ. ओके, तो कॉस्ट प्राइस मैंने, अब मैं पहले क्या करूँगी, मैं एक होलसेलर के पास जाऊँगी, फ्रूट्स खरीदूंगी पहले, है ना. तो मैंने फ्रूट्स खरीदा है, मैं एक फ्रूट सेलर हूँ, पहले मैं फ्रूट्स लेने जाऊँगी, फिर ही तो बेच पाऊंगी, राइट. तो फ्रूट सेलर पहले मैं होलसेलर के पास जाऊँगी, होलसेलर के पास जाऊंगी, फ्रूट्स खरीदूंगी, राइट. जो प्राइस मैं पे कर रही हूँ होलसेलर को, वो मेरा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा. ओके, समझ में आया. अभी मैंने 100 रुपीज में फ्रूट्स खरीदा है. ओके, होलसेलर से मैंने 100 रुपीज में फ्रूट खरीदा है, तो मेरा क्या होगा, वो कॉस्ट प्राइस होगा. और मैं वही फ्रूट्स को मैं कस्टमर्स को बेच रही हूँ. ओके, आई एम सेलिंग दैट फ्रूट्स टू कस्टमर्स. तो वो क्या होगा, कस्टमर को बेच रही हूँ, तो वो मैंने कस्टमर को जो सेलिंग प्राइस होगा, है ना, मैं सेल कर रही हूँ, वो सेलिंग प्राइस होगा मेरा. अब मैंने कॉस्ट प्राइस मैंने 100 में दिया है, परचेज करा, राइट. अब मैं सेलिंग प्राइस मैं कस्टमर को कितने में बेचूंगी, 120 रुपीज में बेच रही हूँ. ओके, आई एम सेलिंग एट 120 रुपीज. ओके, मैं इस 120 रुपीज में फ्रूट को सेल कर रही हूँ, तो क्या होगा, 120 मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, मैं सेल कर रही हूँ, है ना. तो मेरा प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 120 होगा. अब मेरा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ही लॉस है, मैंने इतने में परचेज करा, राइट, और मैं 120 में बेच रही हूँ, है ना, फ्रूट्स को दे रही हूँ, है ना, बेच रही हूँ 120 में, मैंने खरीदा है 100 में, राइट. किस में ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस मेरा बेचने का ज़्यादा है, देखो कितने रुपीज मिल रहे हैं, 120 रुपीज मिल रहे हैं, और मैंने कितने में बेच लिया था, 100 रुपीज में लिया था, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 120 माइनस 100 क्या होगा, 20, है ना, क्योंकि 20 रुपीज ज्यादा मैंने कस्टमर से लिए हैं, तो मेरा 20 रुपीज क्या होगा, प्रॉफिट होगा मेरा. ओके, समझ में आया, कैसे समझ में आया सबको. अब सपोज करो मैंने सेलिंग प्राइस मीन्स मैंने कस्टमर को 100 रुपीज में परचेज करा, राइट, फ्रूट्स को मैंने 100 रुपीज में परचेज करा, बट मैं सेल कितने में कर रही हूँ, 90 रुपीज में कर रही हूँ. वो मेरे प्रॉफिट है या लॉस है, देखो मैंने कितने ज्यादा मैंने परचेज करते में बहुत ज्यादा पैसे लगाए, राइट. 100 रुपीज मैंने दिए हैं और उनको तो 90 रुपीज मिल रहा है, राइट, तो कम है ना, सेलिंग प्राइस तो कम है, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस कम है मीन्स हम मुझे कितने 90 रुपीज ही मिल रहे हैं, है ना, मैंने 100 रुपीज दिए थे और मुझे 90 रुपीज ही मिल रहे, कम मिल रहा है, राइट. तो मेरे लिए वो क्या होगा, लॉस होगा. कितने का लॉस है मेरे लिए, 100 माइनस 90, 10 रुपीज का लॉस है, राइट. समझ में आया, लॉस और प्रॉफिट का ये. ओके, ऐसे आपको फाइंड करना. ओके, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस है 190 और सेलिंग प्राइस है 183 रुपीज. ओके, कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी और सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी, है ना. अब आपको फाइंड करना है प्रॉफिट है कि लॉस है, कैसे फाइंड करोगे. देखो कॉस्ट प्राइस मीन्स परचेज करा हुआ है ना, परचेज करा हुआ 190 है और सेल कर कितने में, 183, मैंने परचेज करा 190, ज़्यादा ही पे परचेज करा है ना, 183 तो 90 से लेस है ना, और सेलिंग करा 183 में, तो क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कम है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा लॉस.
चिल्ड्रन अब क्लियर है आपको? देखो ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम सम्स। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट एंड लॉस से फाइंड करना है, राइट? सेम उसके जिससे देखना है। देखो आतिफ बॉट अ सीलिंग फैन फॉर ₹2725 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2635। फाइंड द हिज प्रॉफिट एंड लॉस। एक आतिफ ने सीलिंग फैन खरीदा है, कितने में खरीदा है, राइट? परचेज करा है, तो उसका वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा, है ना? परचेज करा है उसने, कितने में परचेज करा है, क्या होगा हमारा? कॉस्ट प्राइस, है ना? सीपी होता है हमारा, कितने में? 2725।
देखो बच्चे अभी क्लियर हुआ आपको बोर्ड? ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सीपी मींस कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस 985, प्रॉफिट रुपीज 25. आपको यहाँ एसपी फाइंड करना है. एसपी मींस सेलिंग प्राइस फाइंड करना है ना. अभी यहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट मींस क्या होगा? उसने ज्यादा में सेल करा होगा तो उसको प्रॉफिट मिला होगा ना. तो हम प्रॉफिट मैन करते क्या लगाते थे? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा इसलिए तो प्रॉफिट हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस, राइट. अभी हमें प्रॉफिट पता है कितना है, 25 है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है. तो सेलिंग प्राइस
Okay, students, now problem solves. Harsh bought a cycle for ₹1725. He sold it at loss of ₹358, means 358. What was the selling price of the cycle? Okay, first you have to give information. Kya hai wo likh dena hai. Okay, Harsh bought a cycle. Usne bought means usne purchase kara. Purchase kara wo cycle kya hoga? Selling price hoga, hai na? Kitne ka hai? Wo 725, right? He sold it at a loss. Means usne kitne loss mein he sold it. Usne loss mein sold kara hai. Loss में उसने सेल करा है कितना loss कितना है उसका loss है 358 ओके अब आपको find करना है क्या करना है what was the selling price आपको selling price find करना है right अभी ये वाले जो loss है right loss क्यों होगा कब होगा loss जब cost price ज़्यादा होगा selling price से तब हमारा loss होता है right है ना हम कब में बेचते हैं हमारा loss होता है तो loss students. Now next question is, a shopkeeper bought a bag for ₹700 and sold it for ₹784. What is the profit or what is this profit or loss percentage? आपको percentage find करना loss or profit percentage means first आप देखते हो profit है क्या loss है okay? First bought a shopkeeper bought a bag means cost price कितना है bought कितने में करा ₹700 and sold it. Sold means selling price कितना shopkeeper का ₹784. Now here you can see that selling price is more than cost price. है ना उसने बेचा ज़्यादा है ना उसने 700 में खरीदा है और वो sell कितने में कर रहा है 700
message me. Okay, thank you for listening.